आपको बताते चले कि दिनांक 2/8/2021 की रात्रि गश्त के दौरान कोतवाली देहात पुलिस सर्विलांस व एसओजी टीम द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो जिसमें एक व्यक्ति पिस्टल का प्रदर्शन कर रहा है, चिन्हित करते हुए मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त शिवा उर्फ विराज उपाध्याय निवासी ग्राम भलुईया कोइलिया देहात उम्र 19 वर्ष को एक अदद पिस्टल 32 बोर 2 जिंदा कारतूस के साथ फूडीज रेस्टोरेंट कोतवाली देहात के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त शिवा उर्फ विराज ने पूछताछ में पिस्टल प्राप्त करने का स्रोत अपने मालिक राजकुमार गुप्ता उर्फ राजू गुप्ता को बताया, जिसके वहाँ अभियुक्त शिवा 8 वर्ष से कार्य कर रहा था। अभियुक्त शिवा की निशानदेही पर राजकुमार गुप्ता उर्फ राजू गुप्ता निवासी छोटा दुसा उम्र 40 वर्ष को एक अदद पिस्टल 32 बोर 3 जिंदा कारतूस 32 बोर एक अदद देशी तमंचा 12 बोर एक अदद जिंदा कारतूस व 3 अदद ब्लैंक फायर कारतूस के साथ ग्राम धुसहा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त गणों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करते हुए न्यायालय भेजा जा रहा है। गिरफ्तार करने वाली टीम निरीक्षक श्यामलाल यादव, प्रभारी स्वाट टीम निरीक्षक अरुण कुमार मौर्य, प्रभारी एसओजी निरीक्षक चंद्रहास मिश्र, प्रभारी सर्विलांस उप निरीक्षक करमवीर सिंह, मुख्य आरक्षी बिरजू कुमार, आरक्षी रोहित शुक्ला व निरीक्षक विद्यासागर वर्मा, प्रभारी को देहात उप निरीक्षक राणा प्रताप सिंह, मुख्य आरक्षी संजय निषाद, आरक्षी रणविजय सिंह शामिल रहे। जनपद बलरामपुर में ऑपरेशन तमंचा चलाया जा रहा है पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर। इसी क्रम में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक लड़के द्वारा तमंचे का प्रदर्शन किया जा रहा था। उसी क्रम में हमारी टीम लगी हुई थी तो एक जो लड़का जो शस्त्र का प्रदर्शन कर रहा था उसे गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 32 बोर का एक कंट्री मेड पिस्टल और 2 कारतूस बरामद हुए। उसकी निशानदेही पर यह लड़का जहां पर काम करता था उसके मालिक के यहां से एक तमंचा देसी कट्टा और एक कंट्री मेड पिस्टल और 3 कारतूस 32 बोर के और एक कारतूस मिला है 12 बोर का। इस प्रकार इस बरामदगी में कुल 2 कंट्री मेड पिस्टल और 1 देसी तमंचा और 5 जिंदा कारतूस प्राप्त हुए हैं और यह एक सराहनीय कार्य है। और ये लोग इसी प्रकार से जो कार्रवाई कर रहे थे और जो अवैध असलहों का बिजनेस चल रहा था उस पर एक कड़ी चोट की गई है बलरामपुर जनपद पुलिस द्वारा।